उत्थान साइंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। अपनी फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास के अंदर भी हम आज पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। ठीक है, ये कार्बन है। कार्बन का जो प्रतीक है वो क्या होता है? सी होता है। कार्बन का प्रतीक क्या होता है? सी होता है। इसे आवर्त सारणी के अंदर, आवर्त सारणी के अंदर जो कार्बन है, आवर्त सारणी के अंदर जो कार्बन है वो वर्ग संख्या कौन सी में आता है? वर्ग संख्या कौन सी में आता है? 14वें वर्ग में आता है। ठीक है, और आवर्त में देखते हैं, आवर्त के अंदर देखते हैं तो वो कौन से में आता है? दूसरे आवर्त के अंदर आता है। कार्बन है, कार्बन आवर्त सारणी के अंदर, इसमें आवर्त सारणी के अंदर ये जो कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है जो आवर्त सारणी के अंदर वर्ग संख्या है 14वीं और आवर्त संख्या है दूसरी में उपस्थित होता है। ठीक, इसके बाद में देखते हैं कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसके बारे में बात करेंगे। कौन से ब्लॉक में आता है? पी ब्लॉक में आता है। किसमें आता है? पी ब्लॉक में आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में आता है। ठीक है, आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में कार्बन उपस्थित होता है। वर्ग पूछे तो 14वें वर्ग में आता है, आवर्त पूछे तो क्या है? दूसरे आवर्त के अंदर आता है, और ब्लॉक पूछे तो कौन से में? पी ब्लॉक के अंदर आता है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे, संयोजकता की बात करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करेंगे, संयोजकता के बारे में बात करेंगे और द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे। इसके द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे तो मैं एक वीडियो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, संयोजकता है और द्रव्यमान के ऊपर बनाने वाला हूं। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2s2 और 2p2 होता है। ठीक है, इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 और 2p2 होता है, यानी कि 2 और 2 4 2 6 हो गए। ठीक है, तो ये कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे। यानी कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक क्या है? परमाणु क्रमांक ये इसका क्या है? परमाणु क्रमांक है। अब इसकी संयोजकता की बात करते हैं, कार्बन की संयोजकता की बात करते हैं तो संयोजकता इसकी संयोजकता है, इसकी संयोजकता है +4 होती है। इसकी क्या है? +4 होती है। और इसके द्रव्यमान की बात करते हैं, तो 12 होता है। इसका द्रव्यमान क्या है? 12 है। तो इस प्रकार से यहां पर 12 लगा देते हैं। ठीक है, देखो कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं तो कार्बन है, आवर्त सारणी के अंदर है, वर्ग संख्या 14 में आएगा, आवर्त है कौन से में आएगा? कार्बन दूसरे में आएगा, और पी ब्लॉक के अंदर कार्बन उपस्थित होता है। ठीक है, SPDF जो आता है ना आवर्त सारणी के अंदर, ठीक है, तो पी ब्लॉक के अंदर उपस्थित होता है। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p2 होता है। और इसके बाद में इसकी संयोजकता है, इस कार्बन की संयोजकता है वो +4 होती है। इसके बाद में है कि ये जो कार्बन के नीचे की ओर उपस्थित होता है, ठीक है, नीचे की ओर यहां उपस्थित होता है जो 6 है इसका परमाणु क्रमांक है, और इसके ऊपर उपस्थित है 12 है वो इसका द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान कितना है? 12 है, और परमाणु क्रमांक कितना है? वो है 6। ठीक है, इसके बाद में है कि एक लंबी श्रृंखला चलाता है, कार्बन एक क्या चलाता है? एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है, कार्बन निर्माण करता है। ठीक है, यही बात याद हो गई होगी। ठीक है, कॉपी और पेन उठा के इनको सभी को एक क्रम वाइज में जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, और पूरा क्लियर होगा, ठीक है, पूरा ही क्लियर होगा। एक बार
अपन जैसे स्टार लगा के यू स्टार लगा के बनाते हैं, तो जैसे आवर्त सारणी के अंदर जैसे कार्बन है, कार्बन कौन से वर्ग के अंदर आता है, कार्बन कौन से आवर्त के अंदर आता है, कौन से ब्लॉक में आता है, कौन से यानी कि कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, संयोजकता क्या होती है, और एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है, ठीक है, द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है, और कार्बन कार्बन के मध्य जो है कौन कौन से बंद आएंगे, ठीक है, इसके बारे में भी मैं आगे चर्चा करने वाला हूं। यानी कि सबसे पहले पॉइंट डालेंगे हम क्या, आगे चलते हैं, देखो अगला पॉइंट डालेंगे कार्बन की विशेषता, कार्बन की विशेषता, कार्बन की विशेषता। उससे पहले मैंने अभी जस्ट यहां पर बताया था कि इसकी प्लस चार होती है संयोजकता, और 1s2 2s2 और 2p2 ये इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसके बारे में थोड़ा एक क्लास बनाने वाला हूं मैं, तो तब देख लेना क्या है। अब है कार्बन की विशेषता, यहां से अपना टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले है एक नंबर डाल के, यूं एक नंबर डाल के लिखना है, कार्बन का प्रतीक, कार्बन का प्रतीक C6H12 होता है, कार्बन का प्रतीक C6H12 होता है। दूसरा पॉइंट डालकर लिखेंगे, दूसरा पॉइंट डालकर लिखेंगे कि कार्बन कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अभी बताया था ना 1s2 2s2 और 2p2 होता है। इसके बाद में है कार्बन की संयोजकता प्लस चार होती है, ठीक है, कार्बन की संयोजकता प्लस चार होती है। इसके बाद में अगला पॉइंट है कार्बन समचतुष्फलकी होता है, समचतुष्फलकी होता है, कार्बन समचतुष्फलकी होता है। इसके बाद में अगला पॉइंट है, देखो अगला पॉइंट क्या है कि कार्बन एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है, कार्बन कार्बन मिलकर एक लंबी श्रृंखला का एक लंबी श्रृंखला का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे कार्बन है एक बंध के अंदर, जैसे ये मान लो कि यहां पर एल्केन है, अभी पढ़ेंगे इसको भी, एल्कीन है और एल्काइन है। इन श्रेणियों में जैसे कार्बन है जैसे एल्केन श्रेणी में जैसे कार्बन है, तो यहां पर देखेंगे कि ये कार्बन है एल्केन श्रेणी में, यूं इस तरह से बंध बनाता जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में यहां पर लिखता हूं एल्केन श्रेणी में जैसे कार्बन कार्बन के मध्य यूं बंध आता है, और एल्काइन श्रेणी के मध्य यूं एक एल्काइन में ऐसे कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड आता है, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे, तो देखो कार्बन कार्बन मिलकर एक लंबी श्रृंखला का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले है कार्बन की विशेषता में, सुनो कार्बन का थोड़ा सा पहले बता दिया मैंने कि कार्बन की विशेषता में सुनो, देखो कार्बन का प्रतीक C6H12 होता है, और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 1s2
2s2 और 2p2 होता है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखेंगे कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो क्या होती है, चार होती है। कार्बन की जो संयोजकता होती है वो चार होती है। इसके बाद में कार्बन समचतुष्फलकी होता है। कैसा होता है? समचतुष्फलकी होता है। कार्बन कार्बन मिलकर एक किसका निर्माण करते हैं, एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। जैसे एल्केन है, एल्केन के अंदर है, एल्कीन के अंदर है और एल्काइन के अंदर है। एल्केन एल्केन है जो इन कार्बनों के मध्य सिंगल बॉन्ड आता है और एल्कीन के मध्य डबल बॉन्ड आता है। कार्बन कार्बन के मध्य और एल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड आता है। क्या आता है? ट्रिपल बॉन्ड आता है। ये कॉपी उठाकर और पेन उठाकर ये पूरे लिखना है, नोट्स बनाना है और फिर पढ़ना है। ठीक है, जरूर याद होगा। ठीक है, इसके बाद में है आगे और भी है। ठीक है, आगे और भी है। तो देखो इनके मध्य, अब सुनो, देखो जैसे कार्बन में है, यहां पर देखो एक पॉइंट और है, सुनना। देखो अगला पॉइंट है, देखो पॉइंट नंबर पांच तक हो गया था, पॉइंट नंबर छठवा देखो। इनके मध्य जो बंध बनता है, जो बंध को इन बंधों यानी कि जो बंध बनता है, इनके मध्य जो बंध बनता है, जैसे CH4 है, ठीक है, CH4 है, तो इसके मध्य जो बंध बनता है, ये बंध यानी कि कार्बन के मध्य और इसके मध्य जो बंध बनेगा हाइड्रोजन के मध्य, यूं देखो इस तरह से ऐसे बंध बनेगा और इनके मध्य का जो बंध होता है, ठीक है, इनके मध्य का जो बंध होता है, बंध कोण क्या होगा, बंध कोण होगा, वो बंध कोण है 109 डिग्री 28 एंगस्ट्रॉम का है और एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होगा, 10 की घात 10 होता है। ठीक है, 10 की घात 10 होता है। इसके बाद में है कि ये समचतुष्फलकीय बताई दिया था मैंने, ठीक है, समचतुष्फलकीय बताई दिया था और इसका नाम क्या है, मैथेन है। क्या है? मैथेन। अब पढ़ने वाले हैं कौन सा IUPAC जो साधारण नामकरण है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद में है, देखो ये कार्बन की विशेषता में बता दिया है। छठवां पॉइंट है, छठे पॉइंट में क्या है, कार्बन जैसे CH4 है, मैथेन है, इनके मध्य सुनना, देखो कार्बन है तो इन कार्बन के चारों ओर हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, जैसे CH4 है, इसकी श्रृंखला यू भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बन सकती है, देखो इस तरह से भी बनती है ये। ठीक है, तो यहां पर देखो कार्बन है एक, ठीक है, कार्बन है एक, ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है कितने, चार हैं, कितने हैं, चार हैं, तो CH4 बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर ये बंध कोण बनेगा। ठीक है, कार्बन इस हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मध्य ऐसे बंध कोण बनेगा, वो क्या होगा, 109 डिग्री 28 एंगस्ट्रॉम का कोण बनता है। ठीक है, इसके बाद में है, इसके बाद में है, आगे चलते हैं। देखो इसके बाद में तो आगे है, अपन पढ़ेंगे नामकरण। क्या पढ़ेंगे? नामकरण। क्या पढ़ेंगे? नामकरण, जो भी कैसा साधारण नामकरण, नामकरण पढ़ेंगे, वो भी कैसा पढ़ेंगे, साधारण, साधारण नामकरण पढ़ेंगे, वो भी कैसा पढ़ेंगे, साधारण, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन पेवर एप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन पेवर एप्लाइड केमिस्ट्री है। ठीक है, तो वापस से सुनना, इसका नाम इंटरनेशनल यूनियन पेवर एप्लाइड केमिस्ट्री है, अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध अनुप्रयुक्त रासायनिक संघ है। ठीक है, इंग्लिश में नहीं लिख सको तो अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध अनुप्रयुक्त रासायनिक संघ है इसका नाम। ठीक है, अब साधारण जो नामकरण पढ़ेंगे IUPAC के अंदर है, तो उससे पहले है ना, अपन तीन श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे IUPAC को यहां पर तीन श्रेणियों में बांटा गया है, जो श्रेणियां है, ठीक है, जो श्रेणियां हैं, श्रेणियां हैं, श्रेणियों में है, श्रेणियों में है, तो देखो श्रेणियों में है, तो श्रेणियों को कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग है श्रेणी का एल्केन श्रेणी है, कौन सी श्रेणी है, एल्केन श्रेणी है, और दूसरी श्रेणी कौन सी है, एल्कीन श्रेणी है, कौन सी है, एल्कीन श्रेणी है। ठीक है, और तीसरी श्रेणी कौन सी है, तीसरी श्रेणी है, तीसरी श्रेणी है एल्काइन श्रेणी है, कौन सी श्रेणी है, एल्काइन श्रेणी है। पहली श्रेणी कौन सी है, पहली श्रेणी कौन सी है,
एल्केन श्रेणी है, दूसरी श्रेणी कौन सी है, दूसरी श्रेणी कौन सी है एल्किन श्रेणी है, और तीसरी श्रेणी कौन सी है वो है कौन सी है एल्काइन श्रेणी। देखो इस आईयूपीएससी के अंदर है इंटरनेशनल यूनियन पेवर अप्लाइड केमिस्ट्री का नाम है, ठीक है, श्रेणियां है इसमें भी श्रेणियां है। तो देखो एल्केन है, साधारण नाम अगर पढ़ेंगे तो एल्केन श्रेणी के अंदर क्या है, ठीक है, अगर सूत्र आएगा तो वो निकल कर आएगा, ठीक है। जैसे अभी जस्ट अपन पढ़े थे ना कि CH4 क्या है, ठीक है, मेथेन कैसे बना, ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एल्केन श्रेणी क्या है, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे, एल्किन श्रेणी क्या है इसके बारे में बताएंगे, एल्काइन श्रेणी क्या है इसके बारे में बताएंगे, तो इस श्रेणियों में आता है। तो अगर ये नहीं आएंगे ना, साधारण नहीं आएंगे, तो आईयूपीएससी पद्धति के नामकरण आपको नहीं आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एल्केन श्रेणी स्टार्ट करेंगे, तो एल्केन श्रेणी के अंदर देखना एल्केन श्रेणी है, फिर पढ़ेंगे एल्केन श्रेणी के बारे में, फिर पढ़ेंगे एल्काइन श्रेणी के बारे में, हम टेंथ बेस पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, टेंथ बेस पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा, सबसे पहले पढ़ेंगे वो IUPAC साधारण नामकरण, ठीक है, IUPAC साधारण नामकरण में है, सबसे पहला श्रेणियों में है एल्केन, एल्केन श्रेणी, एल्केन श्रेणी में देखना भाई, एल्केन श्रेणी है, एल्केन श्रेणी की जो विशेषता होती है, एल्केन श्रेणी की जो विशेषता होती है वो सबसे पहले क्या है, एल्केन श्रेणी की जो विशेषता है उसमें सबसे पहले क्या है, इसका सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र क्या होता है, देखो CnH2n प्लस दो होता है, प्लस दो होता है, ठीक है, और दूसरा है, ठीक है, दूसरी विशेषता है एल्केन श्रेणी है उसका सामान्य सूत्र CnH2n प्लस दो होता है, ठीक है। अब है ये n क्या है, ये N है कार्बन की संख्या, N क्या है यहां पर कार्बन की संख्या, N क्या है कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या, ठीक है, क्या है कार्बन की संख्या, ठीक है। तो पहली विशेषता क्या लिखोगे कि एल्केन श्रेणी है, एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n प्लस दो होता है, इसके बाद में दूसरा है कि एल्केन श्रेणी है, ठीक है, एल्केन श्रेणी है, एल्केन श्रेणी में अनुलग्न, जैसे अनुलग्न लिखते हैं अनुलग्न, एल्केन श्रेणी में अनुलग्न एन लगाते हैं, क्या लगाते हैं एन लगाते हैं, एल्केन श्रेणी में अनुलग्न क्या लगाते हैं एन लगाते हैं, क्या लगाते हैं एल्केन श्रेणी में, एल्केन श्रेणी में अनुलग्न क्या लगाते हैं एन लगाते हैं। और इस अणु का मतलब क्या है, अणु का मतलब है पीछे की ओर, शब्द के पीछे की ओर लगने वाला, शब्द के पीछे की ओर लगने वाला अनुलग्न कहलाता है, क्या कहलाता है अनुलग्न कहलाता है, शब्द के पीछे की ओर लगने वाला जो शब्द होता है वो अनुलग्न कहलाता है। और एल्केन श्रेणी में है, जैसे कार्बन है कार्बन एक है, मेथेन है मेथ प्लस एन है, तो क्या हो गया मेथेन हो गया, तो अनुलग्न है एन है। इसके बाद में है अगला पॉइंट लिखेंगे कि एल्केन श्रेणी में कार्बन कार्बन के मध्य, एल्केन श्रेणी में कार्बन कार्बन के मध्य, एल्केन श्रेणी में कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य क्या आएगा, एकल बंध आएगा, एकल बंध, एकल बंध आता है, यानी कि एल्केन श्रेणी है, एल्केन श्रेणी में सामान्य सूत्र CnH2n प्लस दो होता है, अनुलग्न एन होता है, कार्बन कार्बन के मध्य क्या है एकल बंध पाया जाता है। अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट में सुनना भाई, अगले पॉइंट में क्या है कि ये संतृप्त में है या असंतृप्त में है। तो देखो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, एल्केन श्रेणी है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में पाया जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन उपस्थित होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में है एल्केन, किसे कहते हैं एल्केन, जो श्रेणी है एल्केन श्रेणी है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, एल्केन श्रेणी में है, एल्केन श्रेणी में संतृप्त हाइड्रोकार्बन पाया जाता है, इसे ही
देखो एल्केन श्रेणी में संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों, देखो यहां पर कार्बन है, ठीक है कार्बन है और इस कार्बन के यहां पर हाइड्रोजन जुड़ गया, यहां पर हाइड्रोजन जुड़ गया, यहां पर हाइड्रोजन जुड़ गया, एक यहां पर हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ये क्या है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ये क्या है, एल्केन श्रेणी को हम क्या कह सकते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में सुनना, देखो एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया और ये चौथा पॉइंट हो गया, इसके बाद में और कौन सा बच गया, और कौन सा बच गया, बस यही है, ठीक है। अब इसके बाद में एक से लेकर दस तक इसका इसके फॉर्मूले यानी कि सूत्र है, सूत्र संरचना, सूत्र संरचना और नामकरण सीखते हैं, ठीक है नामकरण सीखते हैं। तो पहला है एल्केन श्रेणी में, ये याद कर लेना, ये सामान्य सूत्र ये याद रखना है, एन ये याद रखना है, कौन सा बंध आता है या याद रखना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन पाया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे, देखो एल्केन श्रेणी केंद्रीय सूत्र देखेंगे किस प्रकार से बनता है और इसका नामकरण देखेंगे और क्या है। अब देखो यहां पर एल्केन श्रेणी है, ठीक है एल्केन श्रेणी भी किसके, एल्केन श्रेणी के हैं, एल्केन श्रेणी में देख रहे हैं, तो जैसे एक तो पूर्व लग्न आता है, एक तो क्या आता है पूर्व लग्न पहले लगने वाला और एक आता है अनुलग्न, इधर लिख देता हूं अनुलग्न। कार्बन की संख्या है एक है तो मेथ आएगा, कार्बन की संख्या दो है, कार्बन की संख्या तीन चार पांच छ सात आठ नौ और दस, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट ऑक्ट नॉन और डेक, ये तो याद ही करने पड़ेंगे। अनुलग्न है, अनु का मतलब क्या है, अनु का मतलब क्या होता है, ये है अनु का मतलब, एक तो अनु आता है और एक आता है पूर्व, पूर्व का मतलब तो क्या है आगे की ओर, पूर्व का मतलब तो क्या है आगे की ओर लगने वाला, आगे की ओर लगने वाला, पूर्व का मतलब है आगे की ओर लगने वाला, और अनु का मतलब है पीछे की ओर, ठीक है पीछे की ओर लगने वाला शब्द, पीछे की ओर लगने वाला शब्द है, ठीक है। तो ये है अनु का मतलब तो क्या है, सॉरी अनु का मतलब क्या है पीछे की ओर, ये है पूर्व लग्न, सॉरी ये है क्या है पूर्व लग्न, सॉरी ये है पूर्व लग्न, ये तो क्या है पूर्व लग्न है, ये क्या है पूर्व लग्न है, और ये है अनुलग्न, ये क्या है अनुलग्न, अनुलग्न ये क्या है अनुलग्न है। तो पूर्व लग्न में सुनते पूर्व लग्न में देखते हैं, पूर्व लग्न में देखो पूर्व का मतलब है पहले, पहले लगने वाला शब्द है, ठीक है पहले लगने वाला शब्द है, और अनु का मतलब क्या है पीछे की ओर लगने वाला, पीछे की ओर लगने वाला शब्द है, ठीक है पीछे की ओर लगने वाला शब्द है, ठीक है। तो देखो यहां पर देखेंगे कि कार्बन एक है मेथेन है, कार्बन दो है एथेन है, और कार्बन तीन है प्रोप है ब्यूट है पेंट है, छह पे क्या है हेक्स है, सात पे क्या है हेप्ट है, और आठ पे क्या है ओक्ट है, और इससे नौ के ऊपर नॉन है और दस के ऊपर डेक है। तो पहला देखेंगे कि पीछे की ओर लगने वाला शब्द में जैसे एन एल्केन श्रेणी के अंदर एन लगा दिया, और इसमें देखेंगे एल्केन श्रेणी के अंदर क्या लगा दिया एन लगा दिया, ठीक है एन लगा दिया, और एल्काइन श्रेणी के अंदर यहां पर बताता हूं एल्केन के अंदर क्या है, एल्केन के अंदर क्या लगा दिया एन लगा दिया, ठीक है, और एल्काइन के अंदर क्या लगा दिया एल, एल्कीन के अंदर क्या लगा दिया एल्कीन के अंदर क्या लगा दिया ईन लगा दिया, ठीक है, और एल्काइन के अंदर सुनना देखो एल्काइन के अंदर क्या लगा दिया, एल्काइन के अंदर क्या लगा दिया आइन लगा दिया, क्या लगा दिया आइन लगा दिया, ठीक है। ये तीन है, ये तीन इन तीन श्रेणियों का जो अनुलग्न है वो देखो एल्केन श्रेणी का क्या है एन है, एल्कीन श्रेणी का क्या है ईन है, और एल्काइन श्रेणी का क्या है
एल्केन श्रेणी का क्या है, आयन है, ठीक है। इसके बाद में क्या है कि देखो इनको एक एक को बनाकर देखते हैं, ठीक है, एक एक को बनाकर देखते हैं। तो देखो यहां पर क्या है, एल्केन श्रेणी में है तो एन बराबर एक बनाकर देखेंगे, ठीक है, एन बराबर एक बनाकर देखेंगे, यानी कार्बन कितना लेंगे, कार्बन लेंगे एक लेंगे, ठीक है। एल्केन श्रेणी में बना रहे हैं, किसमें बना रहे हैं, एल्केन श्रेणी में बना रहे हैं, किसमें बना रहे हैं, एल्केन श्रेणी में बना रहे हैं। तो देखो यहां पर कार्बन है, कार्बन की संख्या एक है, ठीक है, तो CnH2n+2, ये इसका सूत्र लगाते हैं। और यहां पर भी ये दिखाई देता है ना, ये n दिखाई देता है, वहां कार्बन की संख्या रखते हैं, तो कार्बन की संख्या देखो एक रख दिया, ठीक है, ये रख दी, ठीक है। इसके बाद में है दो, हाइड्रोजन है इनटू एक ये वाला, ठीक है। इसके बाद में है ये दो है, तो कार्बन एक है, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, दो को एक से गुणा करेंगे, दो प्लस दो है, और कार्बन एक है, खुद ही एक है, यहां पर एक लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, दो, और दो कितना हो गया, चार। तो ये तो आ गया सूत्र निकल कर, ये तो क्या आ गया, सूत्र निकल कर, ये क्या आ गया, इसका सूत्र निकल कर, ठीक है। इसके बाद में है, इसके बाद में क्या है कि भाई इसको देखेंगे भाई सही है कि गलत है, ठीक है, इसको देखेंगे भाई सही है गलत है। तो देखो इसके बाद में इसकी संरचना देखेंगे, संरचना देखेंगे, तो संरचना में है यहां पर कितने कार्बन हैं, कार्बन संख्या एक है, यू लगा दिया, और हाइड्रोजन कितने हैं, चार हैं, तो ऐसे कैसे यू लगा दिया, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, चार है, ऐसे लगा दिया। अब इसको एक ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं CH4, ठीक है, CH4 लिख सकते हैं, कार्बन एक है, एक लिख दिया, हाइड्रोजन गिन के बताओ कितने हैं, चार हैं, तो चार ऐसे कैसे लिख दिया। अब इसके बाद में इसका नामकरण देखते हैं, इसके बाद में इसका क्या देखेंगे, नामकरण देखेंगे, नामकरण देखेंगे, ठीक है, इसके बाद में इसका क्या देखेंगे, नामकरण देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, देखो कार्बन की संख्या एक है, तो एक के ऊपर क्या आएगा, मेथ, पूर्व लगन में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, C बराबर एक है तो मेथ लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, मेथ प्लस अनुलग्न, एल्केन श्रेणी का अनुलग्न क्या होगा, एन, अभी बताया था ना एल्केन श्रेणी का अनुलग्न एन होता है, तो मेथ प्लस एन क्या होगा, मेथेन, क्या होगा, मेथेन, ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद में एक उदाहरण लेकर और बताते हैं, एक उदाहरण लेकर और बताता हूं, ठीक है। इसके बाद में है, इसके बाद में है n बराबर एक दो का है, n बराबर एक पांच का है, n बराबर एक छह का है, n बराबर आठ का है। तो देखो ये दो मैं बताता हूं, ठीक है, ये दो मैं बता देता हूं, और दो ये तुम निकालना, ठीक है। अब देखो कार्बन है दो पे है, ठीक है, दो का बना रहे हैं, ठीक है, दो का बना रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे, देखो यहां पर कार्बन लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं, ठीक, एन भी लिख सकते हैं। तो देखो एल्केन श्रेणी में CnH2n+2, कार्बन इसे संख्या की जगह एन की जगह क्या लिखेंगे, दो लिख देंगे। तो देखो कार्बन दो, हाइड्रोजन दो इंटू दो प्लस दो। इसके बाद में है कार्बन की संख्या दो, हाइड्रोजन की संख्या देखो दो को दो से गुणा करेंगे तो चार हो जाएगा, प्लस दो हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहां पर कार्बन की संख्या दो है और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दो, चार, और दो कितने हो गए, छह हो गए। तो ये देखो ये सूत्र निकल कर आ गए, एन बराबर दो लेंगे, एन बराबर दो या कार्बन बराबर दो लेंगे, तो यहां पर एन की जगह क्या लिखेंगे, दो लिख देंगे, ठीक है, दो लिख देंगे, तो क्या आएगा, ये सूत्र निकल कर आएगा। तो ये तो क्या हो गया, इसका सूत्र हो गया। और अब लिखेंगे, अब इसका इसकी क्या बनाएंगे, संरचना बनाएंगे, क्या बनाएंगे, संरचना बनाएंगे। तो संरचना में देखो यहां पर कार्बन कितने हैं, दो हैं, तो दो लिखेंगे, यू एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है, ये कार्बन एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। तो देखो यहां पर क्या है, कार्बन और एल्केन श्रेणी में मैंने बताया था ना कि कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध आता है, कौन सा बंध आता है, एकल बंध आता है, बताया था ना कि कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध आता है, तो यहां पर एक बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है, तो यहां पर एक बॉन्ड लगा देते हैं। तो अब बचा क्या, अब हाइड्रोजन का नंबर आएगा, हाइड्रोजन कितने हैं यहां पर, हाइड्रोजन कितने हैं, छह, छह हो ना हाइड्रोजन के, तो एक यहां लगा देता हूं, एक यहां पर लगा देता हूं। अब ये भी क्या है, ये भी ऐसे नहीं लगाना है, ये कार्बन की संयोजकता को ध्यान में रखते हुए, कार्बन की संयोजकता को ध्यान में रखते हुए संयोजकता कितनी होती है कार्बन की, चार, कितनी होती है, चार,
संयोजकता कितनी होती है कार्बन की, चार होती है। तो इसके बाद में देखो इस कार्बन की संयोजकता को ध्यान में रखते हुए हाइड्रोजन जोड़ते हैं, कितना हो गया, एक दो तीन चार, इसका हो गया ठीक है। अब एक दो तीन लगा दिया और तीन और बच गए, एक यहां लगा देता हूं और एक यहां लगा देता हूं और एक यहां लगा देता हूं, ठीक है ये हो गया ठीक है। अब सुनना देखो, अब सुनना मैं सही है या गलत है अपना सूत्र। देखो कार्बन है दो है ठीक है, हाइड्रोजन छह है, एक दो तीन चार पांच छह ठीक सही है। अब एक एक श्रृंखला ऐसे लंबी श्रृंखला भी बनती है कि कार्बन है एक, इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है जुड़े हुए हैं। तो देखो यहां बताता हूं ठीक है, यहां पर बताता हूं कि यहां पर कार्बन है, कार्बन की संख्या एक है तो यहां एक लिख दिया ठीक है। और इसके साथ हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, सी एच थ्री है, ये बॉन्ड आ गया ठीक है। अगला फिर इस प्रकार से होगा तो क्या होगा, सी एच थ्री सही है। कार्बन की संयोजकता कितनी, चार, देखो कार्बन की तीन तो ये रही और एक ये रहा, चार तीन तीन और एक चार ठीक है खत्म। अब इसका नामकरण करते हैं, क्या करते हैं नामकरण करते हैं। तो नामकरण में देखना भाई, कार्बन है, कार्बन कितना लिया था, दो, दो के ऊपर क्या आता है एक लिख दिया भाई एक, और एल्केन श्रेणी में अनुलग्न क्या आता है एन, तो क्या होगा एथेन, क्या होगा एथेन। इसी प्रकार से एक उदाहरण देकर और समझाता हूं, फिर है ना अगली श्रेणी में चलेंगे। एक से लेकर दस तक के घर पे निकालना आप ठीक है, बैठ कर रहे आराम से बैठ कर रहे, एक नोट्सों की कॉपी लेकर उसमें नोट्स भी बनाते जाना और इनको निकालना एक से लेकर दस तक ठीक है। एन बराबर है, छक्का निकाल लेता हूं, एन बराबर छह है तो देखो सूत्र है प्लस दो। अब देखो यहां पर रखता हूं मैं छह ठीक है, ये कार्बन लिख लो या एन लिख लो भाई एक ही बात है ठीक है। तो छह प्लस ये क्या है, दो इंटू छ प्लस दो, कार्बन है सिक्स है, हाइड्रोजन कितने हैं दो, दो को छह से गुणा करेंगे तो बारह, तो ये हो गया और दो ये सिक्स कार्बन के, और ये कितने हो गए चौदह हो गए ठीक है। अब इसके बाद में ये तो आ गया इसका सूत्र निकलकर, ये तो इसका सूत्र निकलकर आ गया। इसके बाद में है, इसके बाद में सुनना, इसके बाद में क्या है कि नाम, इसकी संरचना, संरचना है, संरचना में देखेंगे कि कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं, कार्बन है छह। तो देखो यहां पर बनाता हूं एक दो तीन चार पांच छह, इनके मध्य सिंगल बंद किसमें बना रहे हैं, एल्केन श्रेणी में, हाइड्रोजन कितने हैं चौदह, कार्बन की संयोजकताओं को ध्यान में रखते हुए हाइड्रोजन जोड़ते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और ये चौदह। अब देखो यहां पर जो कार्बन है, कार्बन है वो छह है और हाइड्रोजन है वो कितने हैं, हाइड्रोजन है वो कितने हैं चौदह है। तो देखो यहां पर कार्बन एक लंबी श्रृंखला में लिख दिया मैंने, कार्बन एक लंबी श्रृंखला में लिख दिया ठीक है। तो इसकी एक संरचना और बनेगी ठीक है, इसकी संरचना और बनेगी। तो देखो यहां से इसको पहले यहां बनाता हूं, सी कार्बन है और इसके साथ कितने जुड़े हुए हैं ठीक, एक बॉन्ड है ठीक है। इसके बाद में इसका नंबर आएगा, दूसरे कार्बन का नंबर आएगा, तो यहां इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसके बाद में इसी प्रकार से अगले का नंबर आएगा, तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, फिर इसके बाद में इसका नंबर आएगा, फिर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, दो हाइड्रोजन, फिर इसके बाद में इसका नंबर आएगा ठीक है, इसका नंबर आएगा सी एच टू। तो देखो इस प्रकार से ये बनेगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू बंद सी एच टू बंद सी एच टू, यानी कि कितना, एक दो तीन चार पांच छ, एक दो तीन चार पांच और ये सी एच थ्री। देखो यहां पर है ये दो जुड़ रहे हैं, इसके साथ ये दो जुड़ रहे हैं, फिर इसके साथ क्या है ये तीन जुड़ रहे हैं, एक दो तीन और इधर भी एक दो तीन जुड़ रहे हैं। तो देखो ये रहा ठीक है। अब इसका नामकरण करूं, नामकरण करता हूं, नामकरण नामकरण में देखना, नामकरण में, नामकरण में देखना,
नामकरण में देखना, नामकरण में क्या है कि कार्बन क्या है, कार्बन कितने लिए थे यहाँ पर हेक्स के ऊपर, तो हेक्स आता है, क्या आता है हेक्स आता है, तो हेक्स देखो हेक्स हेक्स प्लस एन क्या होगा, हेक्सेन होगा, क्या होगा हेक्सेन होगा, क्या होगा हेक्सेन होगा, ठीक है। अब एल्केन श्रेणी का आप बनाना, एक से लेकर दस तक आप बनाना, ठीक है। नामकरण सूत्र पहले, सबसे पहले सूत्र, फिर इस तरह की श्रृंखला, ठीक है, इस तरह की श्रृंखला, फिर है ना संरचना, नामकरण, ये एक से लेकर दस तक एल्केन श्रेणी के बनाने हैं, ठीक है। इसकी विशेषता बताई है मैंने, ठीक है, कार्बन के बारे में बताया है, ठीक है, इंट्रोडक्शन दिया है और पूर्व लग्न के बारे में, और एल्केन एल्कीन एल्काइन का अनुलग्न बताया है मैंने, ठीक है। इसके बाद में अगली श्रेणी है, ठीक है, इसके बाद में अगली श्रेणी है, अगली श्रेणी है, उसके बाद में देखो अगली श्रेणी में सुनना भाई, देखो अगली श्रेणी में है, अगली श्रेणी में देखो कौन सी श्रेणी है, दूसरे नंबर की एल्कीन श्रेणी, एल्कीन श्रेणी है, एल्कीन श्रेणी में सुनना भाई देखो, एल्कीन श्रेणी है, एल्कीन श्रेणी की विशेषता भी है, एल्कीन श्रेणी की विशेषता में है, तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र Cn H2n, ना ही माइनस होता है ना ही प्लस होता है, ना ही तो माइनस होता है और ना ही प्लस होता है। अब इसके बारे में है, अगला है एल्कीन श्रेणी का अनुलग्न, अभी बताया था ना अनुलग्न इन होता है, फिर इसके बाद में है भाई कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है, कार्बन कार्बन के मध्य क्या है द्विबंध पाया जाता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पाया जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पाया जाता है, क्या पाया जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पाया जाता है, यानी कि सामान्य सूत्र है Cn H2n होता है। इसके बाद में है अनुलग्न इन होता है, और कार्बन कार्बन के मध्य इसमें द्विबंध पाया जाता है, और इसके बाद में है इसमें एल्कीन श्रेणी में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पाया जाता है, क्या पाया जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पाया जाता है, ये दोनों में पाया जाता है, एल्कीन और एल्काइन श्रेणी दोनों में क्या पाया जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं एल्कीन श्रेणी तथा एल्काइन श्रेणी को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब यहां पर यह सूत्र अनुलग्न और द्विबंध और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इनको याद रखना है, ठीक है, इनको याद रखना है। तो देखो इसके बाद में है इसका सूत्र यूज होता है ज्यादातर, क्या होता है सूत्र यूज होता है, तो देखो एक एन बराबर एक से लेकर दो तक, एक से लेकर दस तक बनाते हैं, तो एन बराबर एक बनाते हैं पहले, यह अपवाद के रूप में आता है पर भी बनाकर देखते हैं, क्योंकि इसका सूत्र नामकरण, सूत्र नामकरण और संरचना, संरचना नहीं बन पाती है, तो देखो इसको किसमें डाल दिया है अपवाद में, अपवाद में डाल दिया है, ठीक है, किसमें डाल दिया है अपवाद में, बनाकर देखते हैं, देखो बनाकर देखते हैं, तो देखो Cn H2n कार्बन की संख्या है, या तो यहां पर एक है, तो देखो एक हाइड्रोजन दो इंटू वन, एक और कितना हो गया दो, ये इसका सूत्र आया निकलकर, इसका क्या आया सूत्र आया निकलकर। इसके बाद में इसकी संरचना बनाते हैं, संरचना बनाते हैं, तो संरचना में सुनना भाई देखो, अब यहां पर कार्बन कितने हैं, कार्बन है, कार्बन कितने हैं एक है और हाइड्रोजन दो है, क्या है हाइड्रोजन दो है, और अब बंध कहां लगाऊं मैं, बंध कहां पे लगाऊं, तो देखो ये इसी के कारण से अपवाद स्वरूप माना जाता है। इसके बाद में है अगला है एन बराबर दो, ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं इसको, यहां से स्टार्ट करते हैं कि n बराबर है, n बराबर दो को रखते हैं, ठीक है, n बराबर दो को रखते हैं, तो देखो Cn H2n H2n यानी कि प्लस, ना ही प्लस आता है ना ही माइनस आता है एल्कीन श्रेणी में, अनुलग्न इन होता है, याद रखना इन, अनुलग्न इन होता है, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, तो दो टू
दो इंटू दो, कार्बन कितने हैं दो हैं और हाइड्रोजन कितने हैं चार हो गए, क्या हो गए चार हो गए, चार हो गए। तो देखो इस, ये तो इसका सूत्र हो गया, ठीक है, इसका नाम, इसका इसकी संरचना बनाता हूं, संरचना बनाता हूं। तो संरचना में देखना कार्बन कितने हैं दो हैं, एक लंबी श्रृंखला के रूप में बनेंगे और एल्किन श्रेणी में, एल्किन श्रेणी में कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध द्विबंध आता है, कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध आता है द्विबंध आता है। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन चार हैं, तो कार्बन की संयोजकताओं को ध्यान में रखते हुए, कार्बन की संयोजकताओं को ध्यान में रखते हुए क्या जोड़ते हैं हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो एक यहाँ जोड़ दिया और एक यहाँ पर जोड़ दिया, तो इसकी तो बैलेंस पूरी हो गई। देखो एक दो और तीन और चार, इसकी बैलेंस पूरी हो गई। देखो यहां पर देखेंगे, यहां पर देखेंगे तो देखो, यहां पर देखेंगे तो देखो कार्बन है एक, कार्बन है एक और हाइड्रोजन, इसके देखो पूरा बैलेंस हो गया, कार्बन एक दो तीन चार हो गया। इसके बाद में है यहां पर जोड़ेंगे एक दो, तो ये इसी प्रकार से इसकी संरचना बनेगी और एक दूसरी संरचना इसी प्रकार से एक लंबी श्रृंखला के रूप में बनेगी। तो देखो कार्बन है एक, कार्बन है एक और हाइड्रोजन कितने हैं दो हैं और डबल बंद के रूप में है, और फिर इसके बाद में ये लिखेंगे, ठीक है, ये इसी तरह से लिखते जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में इसका नामकरण लिखता हूं, नामकरण लिखता हूं, तो देखो नामकरण लिखूंगा, तो नामकरण में देखो, नामकरण है, नामकरण में देखना कि n बराबर दो लिया था, दो के अंदर क्या आता है एथ, एथ प्लस एल्किन श्रेणी है, एल्किन श्रेणी में अनुलग्न क्या है एन है, तो क्या बनेगा एथीन, क्या बनेगा एथीन, ठीक है, क्या बनेगा एथीन। अब उदाहरण नंबर तीन में बताऊंगा, उदाहरण नंबर पांच में बताऊंगा, और आपको बनाना है छ और आठ और नौ, ये आपको बनाना है, ठीक है, और ये दो मैं बता देता, ठीक है। एन बराबर है तीन है, तो तीन रखता हूं, तो देखो तीन रखता हूं, तो देखो यहां पर तीन रख दिया और दो है इंटू तीन रख दिया, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे, यहां पर देखेंगे, यहां पर देखेंगे कि कार्बन कितना है, कार्बन की संख्या देखो, यहां पर कार्बन है तीन और हाइड्रोजन दो इंटू तीन रख दिया, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे, यहां पर देखो कि इसकी संख्या कितनी हो गई, इसकी संख्या हो गई तीन, कितनी हो गई तीन हो गई और हाइड्रोजन हो गए छह, कितने हो गए छह, यही है ना। तो देखो ये तो आ गया इसका सूत्र, अब करेंगे संरचना की बात, संरचना की बात करेंगे, तो संरचना में देखो कार्बन है कितने हैं तीन है, तो यू लंबी श्रृंखला के रूप में तीन लिख देंगे, ठीक है, पहले लगा देंगे या तो डबल बंद लगा दो, कार्ड लगा दो डबल बंद लगा दो, ठीक है, या एक पे सिंगल बंद आएगा, दोनों के मध्य क्या आएगा डबल बंद आएगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन छह है, तो यहां पर क्या है एक तो यहां पर लगा दिया, एक यहां पर लगा दिया, कार्बन की संयोजकताओं को ध्यान में रखते हुए देखो इसकी बन गया एक दो तीन चार, अब इसका कितना रह गया एक दो तीन, तीन तो है उपस्थित और एक और लगेगा, यहां पर मत लगा देना इसको, यहां पर मत लगा देना, ये पूरा गलत है, ठीक है, यहां पर नहीं लगाना है। तो देखो इसकी बैलेंस पूरी है, इस कार्बन दूसरे कार्बन की बैलेंस पूरी है, दो और एक तीन एक चार हो गया। अब इसकी देखो इसकी कितनी है दो ही है, एक यहां लग जाएगा एक यहां पर लग जाएगा, ठीक है। अब देखो एक लंबी श्रृंखला का निर्माण किस तरह से होगा, सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, इस प्रकार से इस श्रृंखला का निर्माण होगा। और एक नामकरण बताता हूं, इसका नामकरण है, नामकरण है, नामकरण बताता हूं, तो नामकरण में देखना, नामकरण में देखना क्या है, एन यानी कि एन बराबर क्या लिया था, एन बराबर तीन या कार्बन बराबर तीन लिया था, तो देखो कार्बन बराबर तीन में क्या है प्रोप है, तो प्रोप प्लस एल्किन श्रेणी में क्या आएगा ईन आएगा, क्या आएगा ईन आएगा, तो क्या होगा प्रोपीन होगा, क्या होगा
प्रोपीन होगा, क्या होगा, प्रोपीन होगा। तो देखो ये समझ में आएंगी आपको बातें, ये पूरी बातें जो मैंने बताई है, ठीक है, एल्केन एल्कीन एल्काइन में ये पूरी बातें आपको समझ में आई होगी। तो n बराबर एक से लेकर n बराबर 10 तक बनाओगे, और दूसरी श्रेणी के भी एल्किन श्रेणी के भी n बराबर एक से लेकर n बराबर 2 तक बनाओगे, ये n बराबर एक से लेकर n बराबर 10 तक बनाओगे, ठीक है। तो ये बातें समझ में आई होगी आपको, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको बनाना है n बराबर 6 का, n बराबर 8 का और n बराबर 9 का, ठीक है। आज के लिए ये काफी है, और फिर कल बताएंगे इसका तीसरा पार्ट बताएंगे, यानी कि कितने भागों में है, कितने भागों में बांटी गई है, यानी कि तीसरा पार्ट है एल्काइन श्रेणी, इसका अनुलग्न क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है। अगर समझ में नहीं आया है तो हमको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ये बता सकते हो, भाई ये चीज समझ में नहीं आई, तो इसका सॉल्यूशन हम कर देंगे, ठीक है, बाय।